अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है पालक पनीर। तो इसे बनाने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल यहाँ पर हम थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि इसमें हम क्रीम भी डालेंगे, तो तेल यहाँ पर हम थोड़ा कम रखेंगे। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम साबुत मसाले डालेंगे। साबुत मसालों में लिया है 3-4 लौंग और 5 से 7 काली मिर्चें, 1 पीस दालचीनी का और थोड़ा सा जीरा। मसाला जब हल्का सा तड़क जाए तो इसमें हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पर हमने 2 बड़ी साइज की प्याज ली और इसे छीलकर पीस लिया, ये डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे और ये सारे मसालों को थोड़ी देर भून लेंगे। तो बस 5 से 7 मिनट प्याज और अदरक लहसुन को भूनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के करीब लेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून के करीब लेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच के करीब नमक। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मसाले को हमने 10 से 12 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज के टमाटरों को पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे तब तक जब तक के टमाटरों का पानी अच्छे से सूख नहीं जाता। तो हमने यहाँ पर 3 से 4 गिलास पानी को गर्म कर लिया है और इसमें 1 से 2 चुटकी करीब नमक डाल दिया है। पालक को हम यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे और इसे ठंडे पानी में डाल देंगे। अगर हम इसे ज़्यादा पका लेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और फिर जो पालक पनीर हम बना रहे हैं वो अच्छा नहीं बनेगा। तो हमने यहाँ पर 1/2 किलो के करीब ये पालक ली, पालक को अच्छी तरह साफ किया और साफ करके इसे अच्छे से धो लिया है। तो बस 2 से 3 मिनट के बाद में अब हम ये पालक में डालेंगे ठंडा पानी और ये गर्म पानी को हम हटा देंगे। तो ये देखिए पालक को हमने ठंडे पानी में डालकर और इसे ठंडा कर लिया है, अब इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया है, अब इसमें हम डालेंगे ये पालक। तो पालक को भी हमने पीस लिया है, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पका लेंगे। तो अब इसे हम ढक कर पकाएंगे क्योंकि पालक पकने में ये उचटती है, तो आप इसे थोड़ा सा ढक कर पकाएं। मिक्स करने के बाद में अब इसे हम ढकेंगे और ढक कर पकाएंगे। तो बस 8 से 10 मिनट पालक डालकर भी हमने इसे पका लिया है, अब इसमें हम डालेंगे पनीर। तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम के करीब पनीर लिया और इसे क्यूब में काट लिया है। आप चाहें तो पनीर को हल्का सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो बस थोड़ी देर हम इसे और पका लेंगे और यहाँ फ्लेम को हम थोड़ा सा स्लो रखेंगे। तो बस 2 से 3 मिनट इसे हमने ढककर पका लिया है। तो थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद में ये पनीर भी अच्छी तरह पक गया है, अब इसमें हम डालेंगे मलाई। तो आप यहाँ पर मलाई या क्रीम कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये 1/2 कप के करीब मलाई ले ली है, ये डाल देंगे। मलाई डालकर हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे और इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। चलिए तो थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद में ये पालक पनीर बनकर तैयार है। अब गैस को बंद करेंगे और इसे करेंगे हम डिसआउट।